अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नेट पाउच बनाएंगे। इस तरह के वीडियोस की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी और सिंपल सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ, स्पेशली बिगिनर्स का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मेरे साथ जो न्यू सब्सक्राइबर्स ज्वाइंट हुए हैं वो बिगिनर्स है। तो यहाँ पर मैंने ये यान लिया है, ये है गंगा का अलीशा केक प्रिंट यान। ये आपको रतन स्टोर पर मिलेगा। रतन स्टोर ये वेबसाइट नहीं है, ये इनसे आप यान्स परचेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके। तो इस तरह की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी कि हमें वेबसाइट से ऑर्डर करना नहीं आता है, तो आप कोई व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर दे दें जिनसे हम कॉन्टैक्ट करके यान्स परचेस कर सकें। तो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए इस पर फुल रिव्यू वीडियो शेयर किया था, हॉल वीडियो के। यहाँ पर आपको रतन स्टोर पर आपको बहुत तरह के यान्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के, और नीडल्स मिल जाएगी, बहुत सारी एसेसरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। उनका इंस्टाग्राम पेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और उनका व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 8 प्लाई यान है, इसके लिए आप 4 mm तक की नीडल ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ली हूँ 2.5 mm की नीडल। आप अपने हिसाब से नीडल यहाँ पर ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, रेड कलर का जब बटन है उसे प्रेस कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और निडल की निफा में अपनी तरफ रखकर ऐसे पहले राउंड लेना है। राउंड लेने के बाद हमें यहाँ पर लेनी है स्लिप नट। इस तरीके से इसे कहते हैं स्लिप नट। अब इसे खींचकर टाइट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर जितनी लेंथ मुझे बनानी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 30 चैन ले रही हूँ। 30 हमें चैन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही हमने टोटल 30 चैन ले लेनी है। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये 30 चैन यहाँ पर ले ली है। अब यहाँ से हमें टर्न लेना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 3 चैन एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो हमारे डबल क्रोचेट का काम करेगी, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमने ये 3 चैन एक्स्ट्रा ले ली है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डबल क्रोचेट लेना है, लेकिन 5th चैन के गैप में, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 चैन छोड़कर, सॉरी 1, 2, 3, 4 गैप्स छोड़कर 5th गैप में हमने लेना है डबल क्रोचेट। 3 चैन तो हमने जो एक्स्ट्रा ली थी, जो हमारे डबल क्रोचेट का काम करेगी वो, फिर यहाँ पर हमने 1 चैन छोड़नी है और 5th में, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 5th में निडल डाली है और यहाँ पर हम लेंगे डबल क्रोचेट। पहले 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे, इस तरीके से। अब नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर 1 टाइम डबल क्रोचेट नेक्स्ट गैप, और ऐसे ही ये हम 30 टाइम्स इस पर 1-1 टाइम हर एक गैप में डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। ये देखिए गाइज, हमने यहाँ पर ये 1 साइड 30 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लिए हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार आप यहाँ से ये जो हमने 3 चैन स्टार्ट में ली थी उसे काउंट करते हुए, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करते हुए यहाँ पर ये 30 टाइम्स डबल क्रोचेट आ जाने चाहिए। अब हमने क्या करना है, यहीं से टर्न लेना है, निडल पर धागा फोल्ड करेंगे और सेम इसी गैप में जिसमें हमने ये वाला डबल क्रोचेट बनाया है, इसी गैप में हमने फिर से 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेना है। देखिए, हम उसी गैप में निडल डाल रहे हैं इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट गैप, ये वाले गैप में, इसके बाद वाले गैप में, ये गैप, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब ऐसे ही हम हर एक गैप में 1-1 टाइम डबल क्रोचेट लेते जाएंगे।
फिर नेक्स्ट कैप वन टाइम डबल क्रोचेट, और ऐसे ही हम ये वाली लाइन भी पूरी कंप्लीट करेंगे। एंड तब हमें वन वन टाइम डबल क्रोचेट बनाते जाना है। ये देखिए गाइज, यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ तक मैंने ये 29 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब जो स्टार्ट में हमने 3 चैन लिया था और एक और चैन का गैप हमने यहाँ पर छोड़ा था, तो इस गैप पर भी हमें वन टाइम डबल क्रोचेट बना लेना है। ये 3 चैन को हम स्किप कर देंगे और ये जो यहाँ पर 4th चैन हमने एक छोड़ी थी, उस गैप में हमने एक डबल क्रोचेट बना लेना है। तो ये 3 चैन भी डबल क्रोचेट और उसके सामने भी ये डबल क्रोचेट बराबर आ गया। तो अब हमने यहाँ पर ये काउंट करना है, तो ये 3 चैन जो एज अ डबल क्रोचेट काम कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 और इस तरफ भी 30, मतलब ये टोटल हमारे पास यहाँ पर ये 60 टाइम्स डबल क्रोचेट बन जाने चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है या कुछ गड़बड़ हो रही है बनाने में, तो सिंपली आपने ये काउंट कर लेना है। अगर ये 60 टाइम्स आपने बना लिया है, इट मीन्स ये परफेक्ट बना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो 1, 2 एंड 3 थर्ड चैन का जो गैप है, इसमें हमने बिना कोई चैन वगैरह लिए डायरेक्टली इसमें हमने अटैच करना है। इस तरीके से अटैच कर लिया। अब फर्स्ट राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। सेकंड राउंड के लिए हम बिल्कुल ऐसे ही 3 चैन लेकर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हमें जितने डबल क्रोचेट दिख रहे हैं, इनके गैप्स में हमें वन वन टाइम डबल क्रोचेट लेते जाना है। 1, नेक्स्ट गैप वन टाइम डबल क्रोचेट, नेक्स्ट गैप वन टाइम डबल क्रोचेट, और ऐसे ही आप देखोगे कि हमने हर एक गैप में वन वन टाइम डबल क्रोचेट लेते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, और यहाँ तक हमें पूरा बना लेना है एंड से, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने यहाँ तक बना लिया। अब ये जो राउंड है, इस पर भी हमने हर एक गैप में एक बार बनाना है। ऐसे ना हो कि किसी गैप में आप डबल बना दो। एंड में वैसे हमें ये काउंट तो करना ही है। अब फिर ऐसे ही हमने इस तरफ भी वन वन टाइम डबल क्रोचेट कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। अब ये लाइन हमारी यहाँ पर आकर ख़त्म होगी। ये देखिए गाइस, यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब जो यहाँ पर हमने ये 3 चैन ली है, फिर से स्टार्ट करते हुए उसकी 3rd चैन के गैप में हमने डायरेक्टली अटैच करना है। इस तरीके से निडल डालेंगे हम और यहाँ पर ये अटैच कर लेंगे, और आप ये देखोगे कि हमारे ये 2 बेस लाइन कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बेस बन गया है। इसके ऊपर से अब हमारी नेट की जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं वो स्टार्ट होगी। तो जैसे हम पर्स में बेस बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये हमारा बेस बन गया है। यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी, तो जिसके लिए हमने 3 चैन लेकर आगे बढ़ना है। ये 3 चैन हमारी एज अ डबल क्रोचेट काम करेगी। इसके बाद वाले डबल क्रोचेट पर हमें 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेना है। तो ये हमारे 2 डबल क्रोचेट बन गए। अब हमने लेना है 1 चैन, ये गैप छोड़ देंगे और इसके बाद वाले 2 गैप पर 1-1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे। तरीके से फिर हम लेंगे 1 चैन, फिर यहाँ पर ये एक गैप स्किप करेंगे और उसके बाद वाले 2 गैप पर 1-1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे। स्टार्ट में आपने देखा, हमने यहाँ पर 3 चैन जो ली है वो हमारी एज अ डबल क्रोचेट काम करेगी। उसके बाद में हमने 1 डबल क्रोचेट लिया, फिर एक गैप छोड़ा है तो ऊपर हमने एक चैन भी ली है, फिर 2 डबल क्रोचेट ले लिए,
फिर एक चैन ली और एक गैप नीचे छोड़ दिया, फिर दो डबल क्रोचेट। तो ऐसे ही हम ये कंटिन्यू फॉलो करते जाएंगे। वन चैन, फिर एक गैप स्किप और दो डबल क्रोचेट ले लेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरे राउंड पर कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। ये देखिए गाइस, यहाँ तक हमने ये बना लिया वन साइड। अब ऐसे ही हमें ये राउंड पर भी कंटिन्यू फॉलो करना है। वन चैन लेंगे, यहाँ पर ये एक गैप स्किप करके नेक्स्ट दो गैप में वन वन टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे। वन, फिर नेक्स्ट गैप वन टाइम डबल क्रोचेट, ये ऐसे। फिर यहाँ पर हम लेंगे वन चैन और ये एक गैप छोड़कर दो गैप पर वन वन टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे। वन, नेक्स्ट गैप वन टाइम डबल क्रोचेट, यस। और ऐसे ही हम ये डिज़ाइन इस तरफ भी कंटिन्यू फॉलो करेंगे। ये देखिए गाइज, हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पर ये एक गैप बचा है और ये थ्री चैन जो एज अ डबल क्रोचेट हमने लिया है, तो हमें वन चैन लेकर ये गैप छोड़ना है लास्ट वाला, और जो ये थ्री चैन हमने ली है उसकी थर्ड चैन के गैप में हमने अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब आगे का राउंड कंटिन्यू फॉलो करेंगे, तो उसके लिए हम थ्री चैन ले लेंगे। और अब मैं आपको एक बार ये बताती हूँ, ये देखें, तो इस तरीके से आपने कंटिन्यू फॉलो करना है। और अब हम नेक्स्ट राउंड्स का स्टार्ट करेंगे। थ्री चैन हमने ले ली और अब जो हमने ये डबल क्रोचेट यहाँ पर लिया है इसके ऊपर हम फिर से वन टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने वन चैन ली है तो ये छोड़कर यहाँ पर हमने ऊपर भी वन चैन ले लेनी है और नीचे भी गैप यहाँ पर छोड़ देना है। इसके बाद में ये जो दो डबल क्रोचेट दिखेंगे इन पर हमने दो डबल क्रोचेट बना लेना है, ये ऐसे। अब फिर से हम वन चैन लेंगे, फिर ये गैप छोड़ेंगे और दो डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट लगा लेंगे। ये देखिए, और ऐसे ही हमने ये भी लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। यहाँ से हम कंटिन्यू ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे, ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करके अब आपको बताते हैं। ठीक है गाइस, हमारी ये सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पर इसे भी सेम ऐसे ही, यहाँ पर एक गैप आ गया तो ऊपर हमने एक चैन ले लेनी है और ये गैप छोड़कर जो हमने ये थ्री चैन ली है एज अ डबल क्रोचेट उसके थर्ड चैन के गैप में हमने यहाँ पर अटैच कर लेना है। इस तरीके से, और ये अब हमारा सेकेंड राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने थर्ड राउंड स्टार्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाएंगे। थ्री चैन, फिर डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट, फिर वन चैन, फिर दो डबल क्रोचेट दिख रहे हैं उन पर डबल क्रोचेट, वन टू, और ऐसे ही अब हम ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट करेंगे। और जितनी आपको लेंथ बनानी है इसकी, बिल्कुल आपने ऐसे ही इसे बनाते जाना है। अब मैं आपको इसकी लेंथ बनाकर बताती हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसकी लेंथ कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने इसकी 15 लाइन बना ली है। यहाँ पर आप देख सकते कि इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। ये सिंपल सी डिज़ाइन है लेकिन ये बनने के बाद बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पर हमने इसे एंड कर लिया है और लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने टू चैन एक्स्ट्रा ली है क्योंकि हमें यहाँ पर धागा कट करना है। अब ये हमारी लाइन, इतनी लेंथ मैंने बनाई है, आपको जितनी लेंथ बनानी है आप पहले उतनी बना लें। छोटी साइज़ में भी बना सकते हैं और ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये 15 लाइंस बनाई है और अब हम ये धागा कट कर लेंगे। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो नेट की जो लाइन मैंने बनाई है वो 15 लाइन बनाई है और बेस लाइन दो बनाई है, मतलब टोटल हमने 17 लाइन यहाँ पर बनाई है।
ये दो लाइन छोड़ दो और तो यहाँ से आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये 15 लाइंस हमारी बनने के बाद यहाँ पर हमने 2 चैन लिया था। धागा कट करने के बाद ऐसे आपको खींच कर बाहर निकाल लेना है, यहाँ पर लॉक कर लें और अब हम ये जो धागा है इसे अंदर की तरफ ले लेंगे बैक साइड से। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे आप कट कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी डोरी, तो इसे हम साइड में कर देते हैं। डोरी बनाने के लिए पहले हम थोड़ा धागा साइड एक्स्ट्रा छोड़कर फिर स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर हमें अंदाजन चैन बनाते जानी है। जितनी आपकी पाउच की लेंथ है इस हिस्से के हिसाब से आपको डबल चैन बनानी है। तो मैं अपने ये माप लेकर बना लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने ये मैंने यहाँ पर ये नट से लेकर यहाँ तक टोटल 100 चैन बना ली है। इसके हिसाब से थोड़ा हम बाहर रखेंगे और ये चौड़ाई के हिसाब से मैंने डबल लिया है। अब ऐसे हमें एक और डोरी बना लेनी है, तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ये चैन एंड करना है, तो जितना धागा पहले हमने बाहर रखा है उस तरफ से बिल्कुल उतना ही हम यहाँ से भी कट कर लेंगे एक्स्ट्रा धागा। अब इसे हम खींच कर इसे बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर हम एक लॉक कर लेंगे, तो अब हमारी ये चैन खुलेगी नहीं। अब जितनी डोरी हमने ये बनाई है बिल्कुल इतनी ही डोरी एक और हमें बना लेनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये दो स्ट्रिप्स इसकी बना ली है। और अब हम इस तरह से, अगर आपके पास ये है तो ठीक, वरना जो बड़ी होल वाली नीडल आती है वो आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, एक वन साइड से ये लेकर ऐसे डाल देना है बस थोड़ा सा, और यहाँ से ये 1 2 एंड 3 ये थर्ड लाइन है, तो इसके इस होल से हमें ये डालना है, यहाँ से निकालना है, फिर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से डालकर यहाँ से निकालेंगे और ऐसे ही हम ये पार करेंगे। फिर ऐसे ही एक गैप छोड़कर ये वन साइड से आपको डाल देना है। अब यहाँ पर हमने ये से खींचकर बाहर निकाल लिया। अब हमें दोनों तरफ से ये जो है इसे इक्वल करना है, ये इस तरीके से। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने डालना स्टार्ट किया था, अब हम इस तरफ से डालना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमने सेकंड वाला पार्ट लिया है बना लिया है उसे इसमें डाल देंगे। वो वाली डोरी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही उन्हीं होल में से हमें डालना है और पार करना है। बैक साइड में आ जाएंगे, इन्हें एक तरफ कर देंगे। और ये लास्ट, अब इन्हें भी हम एक इक्वल में कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते कि दोनों तरफ से धागा हमें एक लेवल पे करना है। अब हमने क्या करना है, ये जो दो धागे आपको दिख रहे हैं एक तरफ से आपको ये दोनों धागों को पकड़ना है और यहाँ पर आपने एक नट दे देनी है।
इस तरीके से। अब यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही आपने एक नट दे देना है। ये ऐसे। अब ये जो बड़े छोटे धागे हैं इन्हें हम लेवल में कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर टैसल भी बनाकर लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी आप देख लें और अब यहाँ पर आपको ऐसे खींच कर इसे इस तरीके से रखना है। तो ये हमारा पाउच बनकर बिल्कुल रेडी है नेट डिज़ाइन वाला। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आपने इस वीडियो को करना है लाइक। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहे। बहुत ही टाइम लग गया 50,000 कंप्लीट होने में, लेकिन इंशाल्लाह आप जल्दी जल्दी आप लोग वीडियोस को शेयर करोगे तो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी कम्प्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट विनर का नाम है सुतापा, ये फर्स्ट विनर है और इन्होंने बहुत मेरी वीडियोस को शेयर किया है, थैंक यू सो मच। और सेकंड है सबीहा, तो इन्होंने भी मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर किया था, जैसे मैंने रूल्स में आप लोगों को बताया था कि वीडियो को शेयर करना है। सो इन दोनों को मिलेंगे कुछ थ्रेड्स और निडल। तो आप दोनों को मुझे इंस्टाग्राम पर अपना एड्रेस सेंड करना है तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों को ये गिफ्ट भेज सकूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय गाइज।